हाय, आई एम सुमन। होप आप लोगों ने मेरा दार्जिलिंग वाला व्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब हम चलते हैं सिक्किम की सैर करने के लिए, जहां हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की है, डांस किया है, शॉपिंग किया है और इस बीच में दी खो गई। यस, फिर हम लोगों ने दी को ढूंढा, बर्फ में बहुत सारा खेला है और इस व्लॉग के एंड तक बने रहे क्योंकि ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। जो लेट से आई है, मैंने वीडियो में बताया था ना, ये आ गई है फाइनली। देखो ट्रेन बस निकलने ही वाला और ये अभी पहुंच रही है। मुझे टाइम पता था, लेट है, लेट है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, सी इज निशा एंड प्रीति दी। निशा मेरी फैमिली फ्रेंड है एंड बेस्ट फ्रेंड है और प्रीति दी मेरी बड़ी बहन है। सो अब हम लोग आ गए हावड़ा और हम लोग जा रहे कहाँ? सियालदा। चलो, ये हावड़ा का लोकल बस। तो हिलते डुलते हमारा सफर अब शुरू हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग मतलब फीलिंग्स है बस पे। लोकल बस का मजा ही कुछ और होता है, राइट? एंड ये है कुछ सुशील लड़कियां जो कि छैया छैया में रील्स बना रही है और ये सुहाना सफर हमारा शुरू हो गया है। सनसेट का आप भी मजा लो। चलते हैं अब हम जलपाईगुड़ी की तरफ। हेयर वी रीच जलपाईगुड़ी। यार निशा को देखो, मेरा बैग उठा के लेके जा रही है। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर होटल विच इज याक एंड येति। आई मस्ट से लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल होटल, ब्यूटिफुल मैनेजमेंट एंड द फूड फैंटास्टिक। सो यहाँ अब हम लोग आ गए हैं, हमारी एंट्री हो चुकी है होटल में। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। सो यहाँ है हमारा रूम। सो ही इज चंदन, यस। और ये मेरा है बचपन का फ्रेंड जो कि अब मुझे जाके ट्रिप में मिला है। तो हम लोग जा रहे हैं एमजी मार्ग घूमने के लिए, देखते हैं कैसा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आप लोग भी सिक्किम आओ तो यहाँ जरूर आना। चले। हाँ सो ये क्या लिखा है, रीड करके सुनाओ मुझे। ऊपर बी बी जो है क्या? क्या है बोलो? तो तुम लोग भी बताओ उसमें क्या लिखा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि ये लिखा क्या है, ठीक है? सो वापस हम लोग मार्केट से होटल जा रहे हैं एंड यहाँ बारिश हो रही है, सिक्किम की बारिश।
आफ्टर द डांस हम लोगों ने किया बहुत टेस्टी वाला डिनर, और निशा का लुक तो देखो, लगता मुझे ही खा जाएगी। और ये सुशील लड़कियां वाओ कितना प्यार से बात कर रही है, सीरियसली। क्या कर रही है? अरे यार वीडियो बना रही है। क्या कर रही है? सो रहे हैं यार। चले कि नहीं? कहाँ? हम यहाँ क्या करने आए? ठंडा है बहुत, सोने आए। चलो हम यहाँ सोने नहीं आए हैं, हम यहाँ सोने तो नहीं आए कम से कम। बहुत ठंड है यार, नीचे बहुत ठंडी है, तो एंजॉय कर। तुम्हें जमशेदपुर की गर्मी चाहिए? तो पहले वीडियो बंद कर। तुम्हें जमशेदपुर, पहले बताओ तुम्हें जमशेदपुर की गर्मी चाहिए? नहीं, यहाँ की ठंडी ना। चलो खिड़की खोलते हैं, चलो। ठीक है ना, मेरा बाल वाल अच्छे दिख रहे हैं ना वीडियो में? ऑलवेज। सो डे वाज फैंटास्टिक, एंड आज हम लोग ऐसा ज्यादा कुछ किए नहीं। हम लोग आए आज ट्रैवल करके, बहुत टायर्ड थे, तो हम लोग अच्छे से नहाए हैं और खूब सोए हैं। एंड उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे यार? दैट इज मार्केट था, दैट इज MG मार्ट समथिंग कुछ है वो। हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। एंड रास्ते में रिटर्निंग में बहुत ही अमेजिंग बारिश हो रही थी, सिक्किम की बारिश, एक तो ठंड और ऊपर से बारिश। फिर हम लोग संभाव होटल पहुँचे एंड डीजे में खूब जम के डांस किया, डिनर किया, और अब प्लीज मुझे सोने दो मेरी माँ। ओके बालिका सो जाओ, आशीर्वाद आशीर्वाद। कल दे, कल मिलते हैं, कल शूट करेंगे, कल मिलते हैं तो दिखाते हैं हमारा दिन कल का कैसा रहेगा। ओके बाय बाय, फॉर नाउ बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग सिक्किम। सो आज है डे टू और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सबसे मजे की बात यह है कि हम लोग 60+ गर्ल्स हैं एंड 20 कार्स लगी है, 20 कार्स, कारवा लगा है, कारवा। तो आई कैन शो यू, अभी कुछ कार्स आ गई हैं मेरे पीछे है। या इधर गर्ल्स है। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जाएंगे साइसिन। अच्छा, वो कौन सा लोकेशन होगा? आप ताशी व्यू जाएंगे, ताशी व्यू भुजंग मॉनेस्ट्री है। ओके समा में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहां। खुली है जो पर कहीं ये नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही।
हनुमान टॉक, ये वो जगह है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने इस जगह पर विश्राम किया था और आज यहाँ एक मंदिर है। दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहां, किसी ने छुआ तू ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है गई बातें नहीं जब है ऐसे महके हम। लाइन से गाड़ियां हैं हमारी, ये लाइन ओला पड़ रहे हैं यार यहाँ तो, दिखा बहुत जोरों की ओला गिर रही है, बर्फबारी हो रही है सिक्किम में। हम शॉपिंग में जाने वाले थे बट नहीं जा रहे हैं, मेरे बहुत ठंड लगी है, हम सोएंगे जाके यहाँ पर। गाइस बहुत जोरों की बारिश हो रही है और बर्फ पड़ रहे हैं बर्फ, और मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, हम जा रहे हैं सोने के लिए। बाय बाय, गुड मॉर्निंग सिक्किम। तो आज है day 3 और हम लोग सारे जा रहे हैं बाबा हरभजन जी की टेंपल में। तो वहाँ आप लोगों को शायद उनकी स्टोरी भी पता होगी कि उनके जाने के बाद उनका जो आत्मा है आज भी पहरा देता है, बट अब उनकी जो आत्मा है वो रिटायर हो चुकी है। सो अगर इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, और हम लोग लाइव वो टेंपल जा रहे हैं देखने के लिए, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं वो टेंपल कैसा है, कैसा व्यू है, मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो मजा आएगा, ये निशा हर वीडियो में डब कर देती है। मैं गाना बजाने वाली हूँ, आई एम द डीजे फॉर टुडे, परफेक्ट दिस सॉन्ग, आई एम द डीजे टुडे, सी ओ चाय का मजा जरूर लेना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। देखो अमित सर भी पी रहे हैं टेस्टी है ना सर, बहुत टेस्टी है, awesome, awesome। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर, लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। सो अब हम लोग पहाड़ पर आ गए हैं और ये व्यू मतलब जन्नत से कम नहीं है, ये जन्नत ही है गाइस, ये जन्नत ही है, यू कैन सी, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आइसक्रीम है भाई, इतना सर वहाँ दिखाओ निशा, वहाँ दिखाओ वो पहाड़ जब देख रहे हो। कुछ तो बता ना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। Changu Lake, right? Yes, ma'am. And
amazing view, guys. This is an amazing view. Wow, awesome. This is Changu Lake. That side. This one. I'll show you. एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू जिंदगी कुछ तो बता मुझे यहाँ पे पिक्चर्स लेने हैं ढेर सारी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी एक ना तुम स्टिल रहना तुम हम नीचे उतरते रहेंगे सो गाइस हम लोग यहाँ पर सांस ले लूं बर्फ पे आ गए हैं और मुझे ये लोग मार मार के बर्फ कर दे रहा है ये 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 लड़की देखो ओ माय गॉड क्या करी मेरे को नहीं मारना और एक इधर भी है पीछे ये हाँ मेरे को नहीं मारना अभी बर्फ का गोला मेरे को भी बनाना है ऐसे अरे यार ऐसे करके ये ऐसे ओ लगा मुंह में ओ, ओ, लग गया मुंह में देखो मेरे को ना ये आंख में मार दिया ऐसे जोर से ये लड़का को हम छोड़ेंगे नहीं और मेरे को बहुत जोर का लगा है इसको तो छोड़ेंगे नहीं गिरा पे पड़ा के मारने वाले हैं हम निशा हम लोग दोनों टारगेट करेंगे उसको मारेंगे पटक के अभी यस टारगेट रेडी दिस बॉम्ब इज रेडी टू किल दैट पर्सन अपना पता जिंदगी तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तो जिंदगी कुछ तो बता अपना पता जिंदगी कुछ तो बता अमेजिंग व्यू मतलब मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है बट मेरे को प्यार हो गया है मेरे को इन वादियों से प्यार हो गया है लिटरली ये ठंडी हवाएं ये पहाड़ क्या खूबसूरत नजारा है मतलब गॉड का क्रिएशन है अमेजिंग यार अमेजिंग सो हम लोग आ गए हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में और देखते हैं कैसा है क्या है क्यों निशा चले और हम लोग ढूंढ रहे हैं प्रीति दीदी को प्रीति दीदी पता नहीं कहाँ है तो पहले हम लोग दीदी को ढूंढेंगे उसके जाएंगे दर्शन करने सर धर्मेंद्र सर प्रीति दी कहाँ है
बोल तो हम कुछ कुछ टेंशन वगैरह सर में दर्द हो गया सर ऐसे मत बोली वहाँ नहीं मिली बर्फ ना, में कहीं नहीं मिला ना वो सादा मैम भी नहीं मिली मतलब हम लोग पहले यहीं आ गया नहीं सर ऐसे मत बोली हमको अब टेंशन हो जाएगा दीदी को ढूंढना है गौरव जी प्रीति जी कहाँ है ढूंढिए हमको चिंता हो रहा है अरे नहीं है यहाँ भी नहीं है नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन दीदी कहाँ है कितना नंबर गाड़ी मिल गई प्रीति मैम कहाँ है तूने नहीं देखा हम लोग जा रहे हैं प्रीति जी को ढूंढने के लिए क्योंकि मेरे को चिंता हो रहा है टेंशन हो रहा है मेरे को घूमना नहीं होगा आई दीदी मिली दीदी मिली ऐसे मत बोलिए ना अरे यही तो होगा मैम जब तक दीदी को देखना गाड़ी सस्ती नहीं है सारी गाड़ी तो आ गई दीदी कहाँ है अरे वहाँ पे होगा वहाँ देखिए वहाँ पे होगा सारे स्टूडेंट वहाँ पे होंगे वहाँ से दीदी वहाँ चली जाएगी जीना है तो वो बोल रहे हैं कि वो शिव वाले मंदिर पे गई होंगी तो ऐसा श्योर तो नहीं है ना बाकी सब यहाँ वो लोग आते हैं तो गाड़ी है तो गाड़ी कहाँ रहेगा गाड़ी तो वहीं रहना चाहिए वही ना वो लोग आगे इस तरह कैसे निकल जाएगी वही ना नहीं नहीं गाड़ी तो नहीं होगा दीदी मिल गई है मेरे जान में जान आया है ठीक है दीदी दीदी मिल गई सर को भी बड़ा टेंशन हो गया जैसा कि मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवी में देखा था कि जब बाबा तैनाती में जाते थे तो उनके जूते गंदे मिलते थे रात में उनके कपड़े इधर उधर रहते थे तकिया भी हिला हुआ रहता था तो ये वो जगह है जहाँ उनके ओरिजिनल जूते चप्पल उनके ड्रेस यहाँ रखे हुए हैं यस ये बहुत ही सही है बाबा का ये पानी है और डी एक्सप्लेन करेगी खासकर ये पानी की खासियत ये है कि इसमें बाबा जी की ब्लेसिंग्स मिली हुई है इस पानी में ऐसी गुण है कि अगर इस पानी को कोई लेके 21 दिन पारण करता है घर पे रख के इस बॉटल में नाम रख के इवन अगर कोई यहाँ पे भी है इसमें नाम लिखा है जिसको प्रॉब्लम है उनका नाम लिख के वो 21 दिन पारण करते हैं जिसमें नॉनवेज नहीं खाना होता है सिगरेट और दारू नहीं पीना होता तो वो रोग ठीक हो जाता है ऐसी ब्लेसिंग से इस पानी में अगर वो पानी देखेंगे तो ये पानी है यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ बाबा जी की ब्लेसिंग देखिए बहुत ठंडा है नीचे बाबा जी की ब्लेसिंग भी लिखी हुई पानी में और वो वहाँ से आ रहा है देखिए बॉल ऑफ ब्लेसिंग ठंडा है चलो
खत्म हो गया आप। हम लोग बाबा हरगोबिंद मंदिर के बाद शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि इतनी ऊंचाई पे है और हम लोग उतने दूर से आ रहे हैं, तो चलते हैं। और ये व्यू भी बहुत अमेजिंग है। ऑलमोस्ट पहुंच गया, सांसें थम रही है, आई एम लाइक यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है और ठंड बहुत ज़्यादा है लिटरली। और बस कुछ देर, बस कुछ देर, चलो और मुझे खींच खींच के ले चलो। बाबा बस पहुंचने वाले हैं यार, पहुंच ही चुके हैं हम लोग, लेकिन सांस फूल रहा है। वहाँ से हम पैदल चल के आ रहे हैं बाबा हरगोबिंद सिंह के मंदिर से। यार तो कैसा फील कर रहे हो? मैं जी पूरा डाउन हो चुका है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट बाबा का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद लेके जाए। और निशा आप कैसा फील कर रहे हो? बेचारी बोल नहीं पा रही और मेरी मेरी सांसें तेज हो गई है। अमेजिंग ना। बस बाबा हम आ गए, बस आ गए बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। चले जाए सीढ़ी के स्टेप भी कितना हाई हो गए। सो अगर मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो इतना दूर से चल के आने का भी अलग मजा होता है, क्यों चंदन? बिल्कुल। निशा कैसा लग रहा है? और बाबा का आशीर्वाद मिल गया तो हमारा ट्रिप हो गया सफल। अब हम लोग जाएंगे वापस, चलते हैं। तो हम जाने वाले हैं और मेरा मोजा तक भीग चुका है। मैं Thank you.
बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। चलो जवान सांस फूल रहा है। सो गाइज अब हम लोग आ गए हैं चंग लेक, राइट, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। सो अगर आप लोग सिक्किम आते हो तो ये लेक मिस मत करना, और याक की सवारी भी जरूर करना जो कि चंदन करने वाला है। क्या अफसोस मैं नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास कैश नहीं है, जीप मैं दूंगी पैसा। तो अब हम वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, और बादलों के बीच से जब हमारी जब गाड़ी गुजर रही थी ना, ये फीलिंग मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल वाइट है, वाइट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, एंड प्लीज़ डू कॉमेंट। Of gratitude for the hope you enjoy. Hope all the people will be nice. Yes, sir, our best wishes to you for further after journey today. Okay, sir. Thank you. हम चलिए वापस सिक्किम, वी विल मिस यू, मिस यू, बहुत मजा आया। अब अगली बार चलो। मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मनू ना रोके।